सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ के नवापारा राजिम त्रिवेणी संगम की बेटी रानी निषाद अपने हुनर से आज एक अनुकरणीय कार्य, जो रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन के हाथों में बांधी जाने वाली राखी, उस पर्व के अवसर पर रानी निषाद ने गोबर से बनी अनेकों डिजाइन की लगभग 10,000 और विभिन्न बीजों से, जैसे धान, चावल, मक्का, अनेक प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार मसाले जैसे लहसुन से लेकर उपयोग में आने वाले अन्य मसालों से राखी बनाया, जिसकी लगभग 100 प्रकार की डिजाइन तैयार है। रानी अपने पूरे परिवार सहित पड़ोस के लोगों और बच्चों के साथ मिलकर उनको स्वावलंबी बनने की कौशल प्रशिक्षण और हुनर देने का अद्भुत कार्य भी कर रही है। अनाज और गोबर का इस्तेमाल करने से इस अद्भुत कार्य के पीछे रानी का एक ही उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ पर राखियाँ गिरेंगी और या फेंका जाएगा, तो उस स्थान पर एक वृक्ष, एक नया पौधा अंकुरित होगा। इस कार्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह महान ने कहा कि हमारे समस्त छत्तीसगढ़ के भाई बहनों, व्यापारी बंधुओं और सरकार से आग्रह है कि इनके द्वारा तैयार की गई हुई राखियों को जरूर खरीदें, जिन्होंने अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया है और हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी दिया है। ऐसी खबरों के होने के लिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी।